दोस्तों अगर आप भी शिव कुमार यादव को एक धाकड़ बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे 5 T20 सीरीज का आज 5वां निर्णायक T20 मुकाबला फ्लोरिडा के लॉडरहिल में खेला गया। इस मैच का पूरा हाईलाइट अपने वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले जसवाल, तिलक और शिव कुमार यादव में से कौन सबसे टॉप बल्लेबाज है अपने नीचे कमेंट में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खराब थी। पहले ही ओवर में भारत ने यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवा दिया था। वह 4 गेंदों में 5 रन बनाए। इसके बाद तीसरे ओवर में सुमन गिल भी 9 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोनों को अकील हुसैन ने आउट किया। अब दोस्तों 17 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद भारतीय पारी को तिलक वर्मा और शिव कुमार यादव ने संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को रोस्टन चेज ने अपनी गेंद पर बेहतरीन कैच लेकर तोड़ा। उन्होंने तिलक वर्मा का कैच अपनी ही गेंद पर लपका। तिलक वर्मा ने 18 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को 11वें ओवर में 87 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा। रोमारियो सेफर्ड ने संजू सैमसन को विकेट कीपर निकोलस प्रोन के हाथों कैच कराया। इसके बाद पारी को संभालने आए कप्तान हार्दिक पांड्या, तब तक बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया। बारिश की वजह से खेल रोके जाने तक भारत ने 15 ओवर 5 गेंदों में 4 विकेट गंवाकर 121 रन बना लिए थे। बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ तो भारत को 17वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या के रूप में विकेट गंवाना पड़ा। वो 18 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों भारत को शिव कुमार यादव के रूप में छठा झटका लगा। जेसन होल्डर ने शिव कुमार यादव को LBW आउट किया। सूर्या 45 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 61 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए। भारत की ओर से शिव कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। वहीं वेस्ट इंडीज के लिए रोमारियो सेफर्ड ने 4 विकेट झटके। अब दोस्तों 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने 18 ओवर में ही मैच को जीत लिया और सीरीज को अपने नाम किया। वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपनिंग करने आए ब्रेन किंग और काइल मायर्स, दोनों बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत करते हुए टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन हर्षदीप सिंह ने पहला विकेट के रूप में काइल मायर्स को जायसवाल के हाथों कैच कराया। काइल मायर्स ने 1 चौका और 1 छक्का की मदद से 5 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ब्रेन किंग और निकोलस पुरन ने पारी को ऐसा संभाला कि भारतीय गेंदबाज दंग रह गए। उनके पसीना छूट गया, लेकिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज आउट नहीं हुए। ब्रेन किंग और निकोलस पुरन ने 75 गेंदों में 107 रनों की साझेदारी की। दोस्तों आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज को 12 के स्कोर पर पहला झटका लगा और इसके बाद 13वां ओवर में पुरन के रूप में दूसरा झटका लगा। उस समय वेस्ट इंडीज का स्कोर 119 रन हो चुका था। निकोलस पुरन को तिलक वर्मा ने आउट किया। वो अपने पारी में 4 छक्के और 1 चौका की मदद से 35 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए साई होप ने 13 गेंदों में 22 रन की पारी खेली। वेस्ट इंडीज के तरफ से ब्रेंडन किंग ने 55 गेंदों में 85 रन की नबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 छक्का और 5 चौका लगाया। इस तरफ वेस्ट इंडीज ने 18 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए और मैच को अपने नाम किया। भारत की ओर से हर्षदीप सिंह और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट लिया। अब दोस्तों 5 T20 के सीरीज में भारत ने ये सीरीज गंवा दिया है। 8 विकेट से मैच को वेस्ट इंडीज ने जीत लिया है। इस पर आप लोगों को क्या कहना है, भारत ने कहां गलती किया, इस पर अपना भी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।